इंट्रोड्यूसिंग सैमसंग गैलेक्सी A31। दोस्तों, सैमसंग अपनी बजट कैटेगरी का एक नया स्मार्टफोन बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाली है इंडिया में, जिसमें आपको प्राइस के हिसाब से काफ़ी बढ़िया स्पेसिफिकेशन मिलेंगे। दोस्तों, जैसे कि फ़ोन में आपको मिलेगा 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप, साथ में आपको मिलेगा एक्सिनोस 9611 का प्रोसेसर। तो इस फ़ोन की परफॉर्मेंस आपको काफ़ी बढ़िया मिलेगी, साथ में आपको कैमरा क्वालिटी भी फ़ोन की काफ़ी लाजवाब मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी A31 के स्पेसिफिकेशन के बारे में, इसकी प्राइस के बारे में और इसकी लॉन्च डेट के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले बात करते हैं फ़ोन के डिज़ाइन के बारे में। फ़ोन की बैक साइड में आपको पॉलीकार्बोनेट का बैक मिलेगा विद ग्लोसी ग्रेडियंट फिनिश, साथ में आपको मिलेगा ट्रिपल कैमरा सेटअप। फ़ोन की फ्रंट साइड में आपको वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले मिलेगी और आपको मिलेगा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। दोस्तों, अब बात करते हैं फ़ोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में। फ़ोन में आपको मिलेगी 6.4 इंचेस की फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड 90 हर्ट्ज़ की वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले, जिसका रेजोल्यूशन आपको मिलेगा 1080x2400 पिक्सल का और पिक्सल डेंसिटी आपको मिलेगी 403 पिक्सल पर इंच की, और आपको स्क्रीन पर गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलेगा। दोस्तों, फ़ोन में आपको काफ़ी बढ़िया डिस्प्ले मिलेगी, कोई भी कलर सेचुरेशन में इशू आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं फ़ोन के कैमरा के बारे में। फ़ोन की बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा, जहां पर आपको पहला कैमरा मिलेगा 48 मेगापिक्सल का, दूसरा कैमरा आपको मिलेगा 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा और तीसरा कैमरा आपको मिलेगा 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा। और दोस्तों, फ़ोन की फ्रंट साइड में आपको मिलेगा 20 मेगापिक्सल का वाटर ड्रॉप नॉच कैमरा। तो दोस्तों, फ़ोन की कैमरा क्वालिटी आपको प्राइस के हिसाब से काफ़ी अमेजिंग मिलेगी, साथ में आपको कैमरा में कई सारे फीचर्स मिलेंगे जैसे कि AI ब्यूटी, AI पोर्ट्रेट, पेनोरोमा और HDR। दोस्तों, अब बात करते हैं फ़ोन के प्रोसेसर के बारे में। दोस्तों, फ़ोन में आपको मिलेगा Exynos 9611 का प्रोसेसर, जो कि एक नया और काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। तो फ़ोन की परफॉर्मेंस आपको काफ़ी बढ़िया मिलेगी, साथ में आप फ़ोन में कोई भी गेम आराम से चला पाएंगे, आपको कोई भी लैग, हीटिंग इशू और हैंगिंग प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। दोस्तों, फ़ोन में आपको मिलेगा एंड्रॉयड 9.0 पाई का ऑपरेटिंग सिस्टम सैमसंग वन UI 2.0 के साथ, जो कि काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज है, जिससे कि आपकी फ़ोन की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं फ़ोन की बैटरी के बारे में। दोस्तों, फ़ोन में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलेगी, जिसमें आपको 35W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। दोस्तों, टाइप सी का सपोर्ट फ़ोन में आपको मिलेगा, डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड एंड सिम स्लॉट फ़ोन में आपको मिलेगा और 3.5 mm का ऑडियो जैक भी फ़ोन में आपको मिलेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं फ़ोन के रैम वेरिएंट के बारे में। दोस्तों, फ़ोन में आपको 3 रैम वेरिएंट मिलेंगे। पहला वेरिएंट आपको मिलेगा 4GB 64GB, दूसरा वेरिएंट आपको मिलेगा 6GB 64GB और तीसरा वेरिएंट आपको मिलेगा 8GB 128GB। दोस्तों, अब बात करते हैं फ़ोन की प्राइस के बारे में। दोस्तों, बेस्ट वेरिएंट की प्राइस यानी कि 4GB 64GB वाले वेरिएंट की प्राइस आपको लगभग 14,000 से 15,000 रुपये के आसपास इंडिया में देखने को मिलेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं फ़ोन की लॉन्च डेट के बारे में। दोस्तों, ये फ़ोन लॉन्च हो सकता है इंडिया में 2020 तक। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।